ओम विद्या उस चीज का नाम है जो दुनियावी जानकारियों के संबंध में नहीं वरन अपनी विशेषताओं के संबंध में जानकारी कराती है, न केवल विशेषताओं के बारे में ज्ञान कराती है बल्कि यह बताती है कि प्रवृत्तियां भीतर से पैदा होती हैं, बाहर से नहीं। आदमी के भीतर जो कुछ भी है वही उनकी जिंदगी के विकास करने का मूलभूत आधार है। इस मूलभूत आधार को हम स्वयं विकसित कर सकते हैं। बाहर के लोगों का हम क्यों खुशामद करें, बाहर के लोग हमारा सहयोग न करें, सही हमारा अपना दृष्टिकोण सही होना चाहिए। हम अपने समय को उपयोग करना सीख जाएं, अपने शरीर का उपयोग करने, अपने प्रभाव का उपयोग करने, अपने अकल का उपयोग करना सीख जाएं। भगवान ने जो कुछ भी दिया है उन सब चीज़ों का ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाएं, हम सारी समस्या का मुकाबला कर सकूं। अगर हमने अपने आप को सही करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उस समझदारी को अपने जीवन में धारण कर लिया है तो उस दिन से हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। हम अपनी रीति नीति में आवश्यक सुधार ला सकते हैं तो हम सुखी जीवन जिएंगे, शांति का जीवन जिएंगे, हम खुशी की और खुशहाली की जिंदगी जिएंगे। विद्या हमें अपनी आंतरिक स्थितियों के बारे में देखभाल करना सिखाती है। हमारे हाथ एक ऐसी चीज लग गई है जिसके आधार पर हम खुशी की, मोहब्बत की, प्यार की जिंदगी जिएंगे। हम एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसमें हमारी खुशी उन सब लोगों को मिले जो हमारे नज़दीक आते हैं। यदि हम अपने आप को साचा बना लें तो जो कोई भी हमारे नज़दीक आएगा वह उस साँचे में ढलता चला जाएगा। अगर हम समुन्नत स्तर के व्यक्ति हों तो जो कोई भी हमारे संपर्क आएंगे वो भी समुन्नत और खुशहाल हो जाएगा। हम पर प्रभु का आनंद का अमृत सदा बरसता रहे। मैं हर पल आनंद का अमृत रस का पान करती रहूं। मैं प्रभु के ख्यालों में डूबी रहूं। मैं बहुत भाग्यवान हूं। सबका भला हो। ओम आपको सत सत नमन। ओम शांति।